अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरें। बिहार के सहरसा जिले के कुल 6 प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। बता दें कि सहरसा जिले में कुल 2 पंचायत में मुखिया पद के उपचुनाव कराया गया, जिसमें सौर बाजार और खजूरी पंचायत एवं पतरघट प्रखंड के धबौली पूर्वी पंचायत में मुखिया का उपचुनाव हुआ। बता दें कि धबौली पूर्वी से समता देवी ने 1598 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुनीता देवी को 1521 मत पर हरा दिया है। इस तरह इसकी तुलना में 77 मतों से उन्होंने जीत दर्ज किया। वहीं आपको बता दें कि विभिन्न पदों पर उपचुनाव का मतगणना भी कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रही है। गोलमा पूर्वी से वार्ड नंबर 12 से वार्ड सदस्य पद पर शंकर यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भूषण पासवान को कुल 20 मतों से पराजित कर जीत हासिल की। केसनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में खजूरी देवी ने वार्ड सदस्य पद पर अपना जीत हासिल किया है। किस स्थिति में मतगणना संपन्न हुई? हमारे यहाँ मुखिया और वार्ड सदस्य पद के लिए निर्वाचन हुआ था और उसकी मतगणना आज थी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न। सभी को प्रमाण पत्र दे दिया गया? हाँ, दे दिया गया है। जो लोग अनुपस्थित थे वो पतरघट वीडियो सह निर्वाची पदाधिकारी रचना भारती ने बताया कि 12 बजे तक मतगणना कार्य संपन्न हो गया और सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अब देखना होगा कि नए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में किस तरह जनता का भरोसा जीतते हैं और किस तरह उनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर कार्य करते हैं। सहरसा से देवेंद्र शाह की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।